बाबूलाल गौर कुछ दिनों से भोपाल के नर्मदा हॉस्पिटल में एडमिट थे। हालत में सुधार नहीं होने के कारण उन्हें करीब 12 बजे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जा रहा है, जहां उनका मेदांता अस्पताल में इलाज होगा। बाबूलाल गौर को पैरालिसिस अटैक आया था, जिसके चलते भोपाल के नर्मदा अस्पताल में उनका इलाज चला। ब्रेन में क्लॉटिंग की वजह से बाबूलाल गौर के कुछ अंग ठीक से काम नहीं कर रहे थे, आवाज भी लड़खड़ाने लगी थी। आराम मिलने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उनकी तबीयत फिर खराब हुई, जिसके बाद फिर से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।